बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक आवर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें और सब पर अल्लाह पाक का खास करम आमीन। इसी दुआ के साथ अपने आज के व्लॉग का करते हैं आगाज। बाबा ऐसे बाबा कर दो इनको, ऐसे ऐसे पाली दे दो एक। शाबाश। तो जी मेरे छोटे शहजादे की तबीयत खराब है, इसको फ्लू है। इसको फ्लू है और इसके जो दांत है ना वो खराब हो रही हैं और ये बहुत ज़्यादा वीक है। तो डॉक्टर को कहते हैं कि इसको देखे क्या मसला है मेरे बेटे को, दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है, उसके दांत भी खराब हो रही हैं और इसको फ्लू भी है। तो बाबा की आज मेडिसिन लेते हैं, आज हॉस्पिटल चलते हैं और जाकर बाबा का चेकअप कराते हैं। और उससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल सराय की ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी से सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप सब दोस्तों को बराबर मिल सके। बाबा इधर देखो, देखो माशाल्लाह मेरा बेटा कैसे लग रहा है। बाबा दड़ करे में एक जोर दरे जा चिढ़ा जा हम और मैं पाली दे इतना पाली इतना मैं चाक पानी में चाक ओई बस क्या पंखा चला है। ये कह रहा है गर्मी लग रही है, पंखा चलाए, ऊपर छत की तरफ इशारा कर रहा है। तो बाबा चले बाजार बाइक पर हैं और गाड़ी कैसे चलाओगे? दुआ मांगी अल्लाह मियां बाबा गली दे माशाल्लाह। अच्छा एक पाल इनको भी दे दो, ऐसे नहीं करते, बुरी बात होती है ये क्या? अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अच्छा बाबा बाजार से आपको कुल्फी लेकर दूं, कैसे खाओगे ये कुल्फी? कैसे रहा से खाएगा? अच्छा बाइक वगैरह पाली तो फिर चलते हैं, बाइक पर जाते हैं। हम जा रहे हैं बाइक पर, जाकर बाबा की मेडिसिन ले आते हैं। वीडियो में ताउन किया झोंक संजोक वाले भाई ने, ये भाई बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं, इनकी वीडियोस बहुत मज़े की होती हैं और माशाल्लाह बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो मेरी आप सब दोस्तों से मेरे प्यारे व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि आप जाएं और इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें और इनकी वीडियोस देखें। इनके चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू। ये बाबा रो रहा है, मैंने इसको कहा मैं नहीं ले जाता तो ये अम्मी के पास जाता है, क्या तो इसको कहूँ मुझे ले चला। रो ना बाबा, आना आगे चलो, आ जा चलें, आ जाओ थोड़ा सा डेमो दिखाओ, ये रोने लग जाए, क्या करूँ ऊपर बिठाऊँ? पहले हंस के दिखाओ, खेल के दिखा जाए, खेल के मैं नहीं घेने वाला, देखो वापस मान चल चल, मैं नहीं घेने वाला, देखो रोने वाला मुंह बना लिया बस सदके। क्या हुआ? मैं नहीं ले जाता। अच्छा आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ले चलो अपने बेटे को, आ जाओ मेरा बेटा, आ जाओ पहले पाली को लो बाबा को और दुआ मांगो अल्लाह मियां पापा को गली दे। माशाल्लाह ये हाथ के ऊपर क्या लिखा हुआ है? तैमूर, वाह जी वाह, ये किसने लिखा है बाबा, किसने लिखा है नाम? इधर ऊपर बैठा है आगे हैं बाबा, मैं नहीं घेन मैना, चल मान रोना रोना रोना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ क्या बाबा तंग कर रहे थे। पाली कल इधर हाथ के ऊपर ऐसे हाथ से फ्लाइंग किस करो, हाँ शाबाश, अब हंस के दिखाओ, खेल के दिखावी और चिढ़ावी, अब सदवाल करें। जुलू आ जुलू, दुआ मांगो पहले अल्लाह मियाँ पापा गाड़ी दे। माशाल्लाह पापा खंखी बुढ़े नहीं कर सद के, आ जाओ अब आपको बाइक के ऊपर बैठाता हूँ। ऐसे बाय बाय कर दो बाबा, बाय बाय करो ना पहले, हाँ पाली दो अब मुझे पाली दो। तो अम्मी को रोज़ा है, अम्मी जी को रोज़ा है, अफ्तारी के लिए कुछ सामान लेकर आते हैं, पकोड़े घर में बनाते हैं। और इस बाबा का मैं डॉक्टर से चेकअप कराया तो इसकी मेडिसिन नहीं ली थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो इसके मुंह के ऊपर ना रेडनेस हो रही थी, तो इसको मैं घर ले आया था। तो फिर अब शाम का टाइम है तो अपने बाबा की मेडिकल स्टोर से मेडिसिन भी लेते हैं। चेकअप तो करा लिया था डॉक्टर से और इसके दांत ना ख़राब हो रहे थे, वो काले निशान पड़ रहे थे, तो डॉक्टर ने कहा कि ये कैल्शियम की कमी है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो बाबा की मेडिसिन ले आते हैं और अम्मी के लिए रोज़े का अफ्तारी का सामान भी ले आते हैं क्योंकि पिछली जो रात थी ना वो सब बारात थी,
तो आज अम्मी ने रोज़ा रखा है और जाकर उनकी अफ्तारी का सामान ले आते हैं और अपने बाबा की मेडिसिन भी ले आते हैं और बाबा के लिए कुछ खाने के लिए भी ले आएंगे। बाबा चले जी, हमने अफ्तारी का सामान ले लिया और छोटे बाबा को बर्फ़ी ले दी। बाबा बर्फ़ी किधर है, मुझे भी दो। भाई थोड़ी सी अलग नहीं, कोई बात नहीं। तो बाबा आगे बैठे बर्फ़ी खा रहा है, तो अब जाकर बाबा की मेडिसिन लेते हैं मेडिकल स्टोर से और फिर जी मेडिसिन लेने के बाद फिर चलते हैं घर। देखिए माशा एक हाथ से इसने पकड़ा हुआ है तो दूसरे हाथ से मेरा शहजादा बर्फ़ी खा रहा है। ओए भाई हाथ से पकड़ो, क्या हुआ है? वो आगे असल में कार जा रही है ना, वो आगे गली में, तो ये कार को देख, आगे कार जा रही है ना, ये उसे देखकर खुश हो रहा था कि गाड़ी, बाबा गाड़ी कैसे चलाओगे, किसकी गाड़ी है वो? मैं सद के कहता मेरी गाड़ी। अच्छा आगे से पकड़ के बैठो, गिर जाओगे, पकड़ो पकड़ो। अच्छा शाबाश, क्या करें यार, ये गाड़ी को देखकर बहुत खुश हो जाता है। तो आ करें कि अल्लाह पाक मेरे बाबा को गाड़ी दे, ये सामने गाड़ी खड़ी है तो इसी को देख कर ये खुश हो रहा है। बाबा ये गाड़ी किसकी है? तो मेडिकल स्टोर से बाबा की मेडिसिन लेते हैं। बाबा है और कुछ दे दो अपने बेटे को, क्या तो माशाल्लाह पीछे आती जाती गाड़ियों को देख कर खुश हो रहा है। दुआ मांगो अल्लाह मियां पाक हम गाड़ी दे। हाँ माशाल्लाह, मुझे पाली दो, मुझे पाली दो। क्या वो जा रही है गाड़ी, वो देखो किसकी गाड़ी है? हाँ जी आपकी गाड़ी है। अफ्तारी का सामान लेकर मैं घर आ गया हूँ। ये बाबा के पैम्पर, ये उसकी मेडिसिन और ये जी पकौड़े बनाने का सामान और अफ्तारी का जो भी अम्मी का सामान। तो सामान मैं घर ले आया हूँ और मैं ये वीडियो कल ही अपलोड कर देता लेकिन कल नहीं कर सका, उसकी वजह ये थी कल मैं 6 बजे चला गया था, मैं और मेरे चाचू अपनी ज़मीनों पर अपनी फसल को पानी लगाने के लिए। तो मैं वहाँ से वापस आया हूँ रात के 12:30 बजे, 6 बजे गया हूँ और 12:30 बजे घर वापस आया हूँ। हालांकि नेक रात थी, इबादत करने वाली रात थी और मेरी सारी रात उधर ज़मीनों पर गुजर गई है क्योंकि हमारा पानी का टाइम था लगाने का और ये आखिरी पानी था जो हमने अपनी फसल को लगाया है। तो इंशाल्लाह 1 माह तक फसल पक कर तैयार हो जाएगी और फिर इसकी कटाई करेंगे, वो भी सारा आपको दिखाएँगे। और बाबा की दवाई भी मैं आज ले आया हूँ, कल नहीं लेने गया। तो इस व्लॉग को फिर आज अपलोड करेंगे और इस व्लॉग का यहीं पर करते हैं एंड। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक ताज़ा और फ्रेश व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।